हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे भरवा करेला। तो जिसके लिए मैंने 500 ग्राम करेला लिया है, इसे मैंने आधे घंटे नमक डाल के इसे ही छोड़ दिया था और अब मैंने इसे धो के रखा है। तो अब हम सबसे पहले इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और अब हम डाल देंगे इसमें करेले। हमने इसे छिलके बीच में से कट लगा दिया है। इस तरह से हम सारे करेले को बॉईल होने देंगे के लिए रख देंगे। और आप मैंने यहाँ ये छिलके को भी इस तरह से कट करके रखा है। आपको इन छिलकों को फेंकना नहीं है। इससे हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमें इसे भी करेले के साथ बॉईल करना है, तो हम इसे भी इस तरह से करेले के साथ ही बॉईल कर लेंगे। और अब हम 10 मिनट के लिए इसे बॉईल होने देंगे। तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ हमारे करेले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये फिर टूट जाएंगे। तो अब हम गैस पर करेंगे बंद और यहाँ निकालेंगे छलनी में करेले को पानी से। और इस पर हम डालेंगे एक गिलास ठंडा पानी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। और अब हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ देर ठंडा होने के लिए। और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। हमने मसाले की तैयारी कर ली है। तो जिसके लिए मैंने लिया है बेसन, इसे मैंने साबुत चने की दाल को दरदरा पीसा है, प्याज लहसुन और रेगुलर मसाले। तो अब हम बनाएंगे इसमें करेले में भरने के लिए मसाला। तो यहाँ मैंने ली एक कढ़ाई और हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इतना ऑयल। और ऑयल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारे यहाँ गर्म हो चुका है। तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, जीरा आधा छोटी चम्मच और इसे अच्छे से चटकने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमारे यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच इतना बेसन। इसे मैंने साबुत चने की दाल से दरदरा पीसा है। आप चाहो तो यहाँ बेसन भी यूज़ कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा दरदरा चाहिए था इसलिए मैंने चने की दाल को पीसा है। और हम इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ हमें बेसन को इस तरह से चलाते हुए पकाना है ताकि ये जले नहीं। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हमें इसमें मिलाएंगे मसाले। यहाँ हमारा बेसन अच्छे से पक चुका है, इसमें बहुत खुशबू आने लगी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और अब हम मिलाएंगे इसमें मसाले। तो जिसके लिए मैं यहाँ डालूँगी इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया। इसे हम अच्छे से चलाएंगे और बस कुछ सेकंड के लिए ही इसे पकाना है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। सॉरी। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। इसको कर देंगे हम बंद और इसे हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम इस करेले में इसे
सारा पानी इस तरह से दबा के पानी निकाल लेंगे। इस तरह से हमें सारे करेले को निचोड़ कर पानी निकाल देना है। यहाँ मैंने करेले से सारा पानी निचोड़ कर निकाल दिया है, तो अब हम इसमें भरेंगे मसाला। तो यहाँ मैंने जो ये छिलके इसके बचा के रख बॉईल करके रखे थे, इसमें हम मसाले में मिला लेंगे इस तरह से। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चल तो यहाँ मैंने मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसे भरेंगे करेले के अंदर। तो इस तरह से अगर आपके करेले लाए उसमें बीज निकले तो आप इसे निकाल सकते हो, और इस तरह से हम दबा दबा के इसमें सारे में मसाला भर देंगे। तो यहाँ मैंने सारे करेलों को इस तरह से भर के तैयार कर लिया है, और अब हम इसमें लगाएंगे चौक, जिसके लिए हम रखें कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। और एक बार हमें गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारे यहाँ गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, चिल्ले से डाल दिया था हमने। फिर इसे अच्छे से चटकने देंगे, और अब हम डालेंगे इसमें 4-5 करी पत्ता, और फिर डालेंगे इसमें 3-4 प्याज जिसे मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया था। और इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। फिर यहाँ मैंने जो 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, हमें इसे इसमें डाल देना है, ताकि ये इसके साथ ही फ्राई हो जाए। देखते हैं इसके लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो प्याज हमारे यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे करेले जो हमने यहाँ भर के रखे थे। इसे अच्छे से चला लेंगे, इसे हमें आराम से चलाना है ताकि चिकन मसाला ना निकले। और इसे अच्छे से चलाने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देना है। और अब हम इसमें ये जो बचा हुआ मसाला है वो भी मिक्स कर देंगे, ताकि करेला हमारे एकदम मसालेदार बने। इसे हम अच्छे से चला लेंगे, और इसे हमें 2-3 मिनट के लिए और पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही पका चुके हैं, हमने कॉल कर लिया है हमने। तो यहाँ बन के रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। तो अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जिससे इसमें थोड़ा बहुत कड़वापन है वो भी चला जाएगा। आप चाहो तो इसमें ये नींबू का रस भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से चला लेंगे। ऊपर से डालेंगे हम धनिया, और गैस को कर देंगे बंद। तो फ्रेंड बन के तैयार है हमारी भरवा और मसालेदार करेले की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।